हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ सिटीज के नाम है, कुछ स्टेट के नाम है और रोल नंबर भी है। तो एक खास ऑप्शन होता है जो आप एक्सेल में भी यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए एच। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, ये एक्सेल में भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिप्लेस, तो किसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सुमित को, तो यहाँ लिखा मैंने SUMIT सुमित, और सुमित को रिप्लेस करूंगा मैं सोनू से, तो यहां लिख दिया सोनू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। और यहां पर बस अब आपको क्या करना है, रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हैं या फाइंड करना चाहते हैं कि सुमित कहां लिखा हुआ है, तो ये सुमित यहां पर लिखा हुआ है, हाईलाइट हो गया है। अब आप रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हैं, तो जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जो नाम आपने दिया, देखिए वो छूट गया है, तो जो नाम आप देंगे वही चीज यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर SONU कर लेता हूं, सोनू। ठीक है, तो SONU कर लिया, करते हैं सुमित को, सुमित तो हट ही चुका है, अब SNU लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूं SNU। तो आप देखिए SNU को इसने फाइंड किया और यहां से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सोनू हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।